Assalamualaikum students, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लाइडिंग. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कन्वेक्शन करंट्स इन एयर को डिस्कस किया. उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स, वाटर के अंदर कन्वेक्शन करंट्स को एक्सप्लेन किया. और कन्वेक्शन है क्या उसे देख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ ग्लाइडिंग क्या है. और ये जितने आप गर्मियों के अंदर बर्ड्स को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्रिएचर्स को देखते हैं, मिसाल के तौर पे वल्चर्स हैं, हॉक्स हैं, ये सारे के सारे कैसे इतना ऊपर उड़ते हुए आपको नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है. और घंटों घंटों ये फिज़ा के अंदर आपने देखा होगा बिना फ्लैपिंग पर मारे ये आपको हवा में दिख रहे होते हैं. हाउ दिस हैपन्स, ये नेचर का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं जी. सबसे पहले तो मैं आपको कन्वेक्शन बता दूं, जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे कन्वेक्शन के मुतालिक, तो मैं आपको बता दूं कन्वेक्शन है क्या और कन्वेक्शन करंट किसे कहते हैं. कन्वेक्शन कहते हैं हीट का एक हॉट बॉडी से, एक हॉट जगह से कोल्ड की तरफ जाना, और इस दौरान हीट का ट्रांसफर होना बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करेंगे हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ एक्चुअली मॉलिक्यूल मूव करके जाएं, तो उसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं. अब कन्वेक्शन करंट्स क्या हैं? करंट कहते हैं बहाव को, फ्लो को. कन्वेक्शन करंट क्या कहेंगे? अगर मॉलिक्यूल्स का बहाव हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स के फ्लो को कन्वेक्शन करंट का नाम देंगे. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, वाटर फ्लो करें तो वाटर करंट है. इसी तरह से अगर आपने देखा हो एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो हम उन्हें कन्वेक्शन करंट्स कहेंगे. इन्हें थर्मल्स भी कहा जाता है. और ये नेचर के अंदर आप नॉर्मली कब ऑब्जर्व करते हो? खास तौर पर गर्मियों के अंदर, और जब शदीद गर्मियाँ पड़ती हैं तो होता क्या है ऐसा कि ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडर जो आपने देखा होगा पहाड़ों पर जाके, खूबसूरत मकामात पर जाके, वो आपने देखा होगा छतरी नुमा जिससे आप बड़ी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते हैं, और पैराग्लाइडर जनाब कितने किलोमीटर्स तक हवा में तैरता हुआ जा रहा है जस्ट लाइक बर्ड्स. और वो पैराग्लाइडिंग कैसे मुमकिन होती है? कोई इंजन, कोई मोटर उसके अंदर नहीं लगी होती. विदाउट दैट, उसके बिना भी वो क्या कर रहा होता है? हवा में तैर रहा होता है. और ये कैसे मुमकिन होता है वो सारे का सारा जानते हैं. सबसे पहले तो कन्वेक्शन आप समझ लीजिए. कन्वेक्शन में होता क्या है? कन्वेक्शन ये है कि ये अर्थ है, एक्सपेंडेड है, आप जानते हैं सूरज की रोशनी आके इस पर पड़ रही है, और इस रोशनी की वजह से ख़ास तौर पे गर्मियों में के अंदर क्या हो रहा है, इसका नतीजा कि ये जो आप हीट है सन की रेज की शक्ल में आ रही है, ये क्या कर रही है? हवा को गर्म कर रही है. अर्थ आप जानते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी है, जल्दी गर्म हो जाती है. जब जल्दी गर्म हो जाएगी तो इसके इर्द गिर्द मौजूद हवा भी जल्दी गर्म हो जाएगी. हवा जब गर्म हो जाएगी तो आप जानते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ज़मीन का साथ छोड़ के यहाँ रहने की बजाय क्या होंगे? लाइटर होकर ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे. हल्के होकर किधर जाना शुरू कर देंगे? ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे. इसका मतलब जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? कन्वेक्शन करंट्स या थर्मल्स, इन्हें थर्मल्स भी कहा जाता है. और ये हवा इस तरह सर्कल्स के अंदर ऊपर जा रही होती है, और कई दफ़ा ये हम ऑब्जर्व भी करते हैं. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो हवा भगोले आपको नज़र भी आते हैं, कई दफ़ा हवा जा रही है लेकिन रूटीन में ये नज़र नहीं आ रहे होते. लेकिन इसको नेचर के अंदर मुख्तलिफ हमने पढ़ेंगे जो इस्तेमाल करते हैं, परिंदे इसको इस्तेमाल करते हैं थर्मल्स को, ये हॉट एयर्स को जिन्हें कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, इस्तेमाल करते हुए वो सैकड़ों मीटर ऊपर चले जाते हैं, फ्यू किलोमीटर्स ऊपर चले जाते हैं, और घंटों घंटों पूरा दिन ऊपर स्टे करते हैं. ये किसको सहारा लेके? नेचर की जो करंट्स हैं जिनको थर्मल करंट्स कह सकते हो, या जस्ट थर्मल्स कह सकते हो, या कन्वेक्शन करंट्स कह सकते हो. और कैसे प्रोड्यूस हुई मैंने आपको बताया, ये हवा है गर्म होने के बाद ऊपर उठेगी तो ऐसे ऊपर जा रही है. अब इसको इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं जो कि पैराग्लाइडर्स, वो बंदे जो कि पहाड़ों पर जाके ऊंचाई से आप देखा होगा परिंदों के परों की तरह वो खोल के छलांग लगाते हैं, और थर्मल्स को इस्तेमाल करते हुए, ये कन्वेक्शन करंट्स को इस्तेमाल करते हुए, एयर करंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये जा रहे होते हैं फ्यू किलोमीटर हवा में तैरते. आहिस्ता 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 नीचे जा रहे होंगे, ड्यू टू ग्रेविटी, आप जानते वजन की वजह से नीचे आना ही पड़ेगा. लेकिन परिंदे जो हैं, जिसकी मैंने मिसाल दी, हॉक्स की मिसाल दी, वल्चर्स की मिसाल दी, ये जो परिंदे हैं आपने देखा होगा वो गर्मियों में आपको बहुत ऊपर छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे. जस्ट आपने देखा होगा ऐसे घूमते जा रहे हैं, अपना पर फ्लैप भी नहीं कर रहे, अपना पर भी नहीं मारे, और जनाब वो सैकड़ों मीटर ऊपर चले गए, फ्यू किलोमीटर ऊपर चले गए.
इसकी क्या लॉजिक कैसे कैसे मुमकिन हुआ? देखिए कन्वेक्शन करंट तो ऊपर जा ही रही है, यहाँ भी जा रही है कन्वेक्शन करंट, यहाँ भी कन्वेक्शन करंट, यहाँ भी कन्वेक्शन करंट, जितने भी ये ऊपर फ्लाई करने वाले कव्वा चिड़िया तो नहीं है, ये हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं, चीले हैं, ये बाज हैं, उतले ऊपर उड़ने वाले शहीन हैं, ये परिंदे ऊपर उड़ते हैं, ऊपर से शिकार को देखते और फिर वापस आते हैं। तो ये एनर्जी अपनी ज़ाया नहीं करते, अपने पर नहीं मारते बार बार, और ये कैसे मुमकिन है? तो देखिए पर जब वो खोल के रखते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक समझ लीजिए इनमें से कोई है, तो ये नीचे जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो आसानी से इनका वजन उठा सकती है, हल्के से तो हैं परिंदे। और फिर साथ में क्या करते हैं, जिस तरह से कन्वेक्शन करंट ऊपर जा रही हैं, जैसे जैसे थर्मल्स ऊपर जा रहे हैं, ऐसे सर्कल के अंदर नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन उनका सहारा लेते हुए ये क्या करती जाएंगी, चीलें, ये बाज, ये अपने मुख्तलिफ किन की मिसालें मैं दे रहा हूँ, हॉक्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बहुत ऊपर पहाड़ों में बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं, और फ्लैप भी नहीं करते क्योंकि फ्लैप की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट कन्वेक्शन और इन थर्मल्स को इस्तेमाल करना है, और वो ये खुद ब खुद हॉट एयर्स इन्हें ऊपर ले जाएंगी, जिन्हें थर्मल्स कहते हैं या कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, एयर करंट्स कहते हैं, हाँ जी। तो ये सारी की सारी इन्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएंगी, बहुत बुलंदी पर ले जाएंगी, और फ्लैप भी नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी भी ज़ाया नहीं होगी, घंटों घंटों ये फिजा में रह सकेंगे। इसी तरह पैराग्लाइडर्स इंसान हैं, जिसकी मैंने मिसालें दी आपको, और ये सारे का सारा नेचर के अंदर मौजूद एयर करंट्स का सहारा लेते हैं, कन्वेक्शन करंट्स का सहारा लेते हैं, तो ये सारे का सारा मुमकिन होता है इंसान के लिए, क्योंकि ये नेचर में एक्चुअली हो रहा है। और खास तौर पे प्रोमिनेंट कब होता है, प्रोमिनेंट होता है समर्स में, गर्मियों में, जब बहुत ज़्यादा हीट सन की आती है जो एयर को गर्म कर दिया, और एयर ना दिखाई देने वाली मालिकूल्स ऊपर उठते हैं और कन्वेक्शन करंट्स अब मुमकिन होती हैं और फिनोमिना कर हो रहा होता है जिसको इस्तेमाल। और ये है जी ग्लाइडिंग, और इसमें ग्लाइडिंग क्या हुआ, ग्लाइडिंग हॉक्स, वल्चर्स, ये सारे के सारे जो परिंदे हैं ये ग्लाइडिंग करते हुए, ग्लाइड करना इस तरह से तैरते हुए हवा के अंदर, वो ऊपर जा रहे होते हैं विदाउट फ्लैप किए। इसी तरह से इंसान अगर तैरे होंगे इसी ये कन्वेक्शन करंट और एयर को इस्तेमाल करते हो, उसे भी ग्लाइडिंग कहेंगे। सो ये ग्लाइडिंग कैसे मुमकिन हुई, नेचर के एक फिनोमेना जिसका नाम है कन्वेक्शन करंट या जिन्हें थर्मल्स कहा जाता है, इसको इस्तेमाल करके ग्लाइडिंग का अमल परफॉर्म किया जाता है बाय ह्यूमंस, इंसान भी करते हैं और आप जानते हैं परिंदे भी मुख्तलिफ ये करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन देखी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लैंड ब्रीजेज और सी ब्रीजेज, आज के लेक्चर में हमने सेकंड एप्लीकेशन देखी कि कहां कन्वेक्शन करंट एक्चुअली है, तो वो है ग्लाइडिंग के फिनोमेना में, ग्लाइडिंग के अमल में। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आई होगी। और अगर नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम रेडिएशन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रेडिएशन, हाउ रेडिएशन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाती है, ये सारा कैसे मुमकिन होता है। थर्ड फिनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर कल हम पढ़ेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।